और मैं एंटरटेनमेंट, मुझे राष्ट्र के हेयर बहुत पसंद है। अगले साल अगर पता नहीं मैं जाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, गई तो तुम्हारी ही है, तुम्हारे तो रियल बाल है, तुम्हारे वीक लेकर जाऊंगी। राखी जी, टॉप टू को देख के काफी फैंस नाराज हुए थे, काफी फैंस शॉक भी हुए थे। क्या आप टॉप टू देख के शॉक हुए और प्रतीक का ना जीतना बहुत बड़ा सवाल उठा, आपकी राय? एंड में बहुत गड़बड़ था, कभी प्रतीक गया, कभी तेजा गई, कभी ये क्या उल्टा उलट पलट हुई समझ में ही नहीं आया। प्रतीक गया तो हमारे तोते उड़ गए, अरे माई गॉड प्रतीक क्लास टू में नहीं है, टॉप टू में, और मतलब के तोते हमारे उड़ गए और हम लोग लाइक शॉक हो गए। फिर मैंने कहा करण गया, मैंने ओ माई गॉड करण भी नहीं है, तेजा आउट हुई तो मैंने कहा चलो ठीक है, ओ माई गॉड चलो चलो तेजा को कम से कम चैनल ने नागिन सीरियल दे दिया तो शायद तेजा नहीं ट्रॉफी जीतेगी। लेकिन फिर करण को निकाला, फिर तेजा आई तो इतना गड़बड़ कुछ समझ में ही नहीं आया। एंड में हमारे सब होशो आवास उड़े हुए थे, आप देख रहे थे मैं कितना स्क्रीम कर रही थी, तो समझ में नहीं आया। लेकिन सलमान जी कभी कभी फिनाले में ऐसे हाथ ऊपर ऐसे ऊपर एक दूसरे के ऊपर मस्ती करते रहते हैं, वो जॉली है सलमान जी, और मस्ती तो बनती है फिनाले में। एंड जिस तरह का शहनाज गिल का परफॉर्मेंस, देखो लोगों का तो हम नहीं बता सकते, लोगों तो यहाँ पे, मैं लोगों का क्या बताऊँ, मैंने तो इतना एंटरटेन किया है, मुझे वोट नहीं आए हैं और मुझे नहीं पता था। हाँ राखी जी, नहीं नहीं नहीं, मैं देश की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, देश की जनता के वोट बहुत आते हैं मुझे, मैं वो जो 20-25 लोग वहाँ पे जनता आई थी मैं उसको बिलीव नहीं करती, मैं नहीं मानती हूँ। मुझे पता है कि मैंने हार्ड वर्क लगता है देश की जनता को एंटरटेन करने के लिए, और मैं एंटरटेनर हूँ और मैं हमेशा अलग कॉन्सेप्ट लाती हूँ, लोगों की तरह लव लपाटे करके मैं आगे नहीं जाती हूँ या बहुत सारी चीज़ों को करके मैं नहीं आगे।